बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद राही है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। आज मैं आपको G14-1 में आया हूं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि G14-1 के बारे में बताएं कि G14-1 की क्या पोजीशन है। मैं आपको सच बताऊं कि G14-1 में अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ और इसका टेंडर हुआ था जो हमारे सुनने में आया कि वो अभी रोक दिया गया है किसी सियासी एक्टिविटी की वजह से। अगर कोई इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो वो बेहद गलत है। इसको G14-1 को अभी टाइम भी लगेगा और कुछ जगह इसमें खाली हैं और बहुत बड़े काबजीन बैठे हुए हैं जो अपना अभी खाली नहीं किया। आपको इसमें मैं जो ड्रोन शॉट दिखाऊंगा उसके अंदर नज़र भी आएंगे और वो ड्रोन शॉट आज के हैं। ना तो यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है, ना यहाँ पर कोई मशीनरी है। ये मशीनरी जो मेरे पीछे खड़ी है इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये अभी रोड जो बना रही है, ये रोड बना रही है जो 1 और 2 को डिवाइड करती रोड है, और उसके बाद 3 और 4 को जो डिवाइड करती रोड है वो रोड कारपेटिंग हुई है थोड़ी सी। और इसके अलावा G14-1 वाली साइड पे ना तो अभी ये पोजेशन दे रहे हैं, ना ही कोई ऐसा इनका सिस्टम है, क्योंकि अगर पोजेशन देंगे तो इनको सेवरेज लैंड डालनी पड़ेगी। ना इनकी अभी 14-1 में ना इन्होंने अभी काम स्टार्ट किया, ना इसमें सेवरेज लैंड डाली है, ना कोई गली बनी है, ना ही यहाँ डबल रोड ज़रूर बनी है जो G14-2 और 1 को डिवाइड करती। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा हम बातें सुनते हैं मार्केट में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ना तो अभी कोई इसका सर्वे हुआ है काम का, ना कोई इसके ऊपर कोई टेंडर हुआ है, ना इसके G14-1 के गवर्नमेंट ने कोई पैसे दिए ठेकेदार को कि ये काम स्टार्ट कर दो, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात है सच। इसके अलावा G14-2 और 3 तो डेवलप हो चुका हुआ है लेकिन 1 अभी बिल्कुल भी नहीं है। मज़ीद किसी भी तरह की डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पे मुझसे रابطہ करें या मेरे पास ऑफिस विज़िट करें, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रियल एस्टेट के मतलब जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।